नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। NH80 की दुर्दशा से PHED मंत्री हुए रूबरू, कहा बिहार की सबसे खराब सड़क भागलपुर में, डिप्टी CM को देंगे जानकारी। भागलपुर में आयोजित हुई युवा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, नेताओं ने कहा देश के विकास में युवा शक्ति का अहम योगदान। नगर निकाय चुनाव को लेकर NR और नामांकन की प्रक्रिया शुरू, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की बढ़ने लगी भीड़। सामाजिक कार्य में अहम योगदान देने वाले समाजसेवी बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित, कहा जब तक है सामर्थ्य जनता का करूंगा सेवा। और प्रिपैती में आज सामाजिक तत्वों ने काटे सैकड़ों आम के पेड़। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के PHED मंत्री सड़क मार्ग से कहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह बिहार की सबसे अधिक खराब सड़क है। मंत्री ने कहा कि भागलपुर से लेकर कहलगांव NH80 सड़क की जर्जर हालत से लोगों को परेशानी होती है। PHED मंत्री ने कहा कि जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा ओवरलोड ट्रक इसी सड़क पर चलती है, और जब वे यहाँ से पटना जाएंगे तो सबसे पहले इस सड़क की दुर्दशा के बारे में डिप्टी CM को बताएंगे। साथ ही कहा कि बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और अब बिहार में चौमुखी विकास होगा, जिसका ये दुर्दशा है। तो जानकारी मिली है कि ये साइड से कोई 4 लेन पास हो गया है, जिसके कारण इस रोड को कार्य करना तो वो भी बताया कि 1000 गाड़ी प्रत्येक दिन इस गाड़ी अत्यधिक ओवरलोड गाड़ी चलने से भाई ये देखेगा नहीं, ये कमी है और इसको सुधार करना चाहिए। हम इंजीनियर से बात भी किए और कि भाई जिनका भी साइड हो आप सुधार करिए, कम से कम आप 4 लेन पास करिए, बनाइएगा 4 लेन तो ये लाइन कौन बनाएगा जी। ये रोड तो रहेगी, समाप्त तो होगा नहीं जी। और ओवरलोड ट्रक चल रहा है तो उसको पकड़िए, और रोड का ये दुर्दशा तो बर्दाश्त लायक नहीं है। तो हमको लग रहा है जल्द ही इसका काम होगा। हम जाते ही, मेरा विभाग तो नहीं है, DTCM तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विभाग है, हम तत्क्षण उनको खबर करेंगे। और क्या बोलते हैं जो इमरजेंसी कॉल को क्या बोलते हैं, हॉटलाइन से उसको काम करवाइए, जितना तेजी गति से हो सकता है शीघ्रता शीघ्र इस सड़क को बनना चाहिए, बिहार में ऐसा सड़क नहीं। भागलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण और खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार विधानमंडल दल के नेता सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, संगठन मंत्री भीकू भाई दलसानिया, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह समेत कई नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बैठक को केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता समेत संगठन के कई नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में युवा शक्ति का अहम योगदान है और भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा का भविष्य और ताकत है। इसके अलावा सभी नेताओं ने देश हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने और संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिया। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर मल्यार्पण कर किया, जबकि अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देख कर किया गया। मौके पर भाजपा नेता अजित शाश्वत समेत काफी संख्या में अलग अलग जगहों से भाजपा और भाजयुमो के नेता मौजूद रहे। जो संकल्प लिया है उस संकल्प का जीता जागता उदाहरण आप युवा शक्ति है। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे युवा तुर्क नेता, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री दुर्गेश सिंह जी यहां बैठे हुए, हमारी पार्टी का बिहार विधानमंडल भाजपा के नेता, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए, युवाओं में जोश भरने वाला, बिहार के साथ लड़ाई लेने वाला, बिहार की लड़ाई में सार्थक भूमिका अदा करने वाला
ऐसा हमारा शरद जी के रूप में यहाँ बैठे हुए। आप सब जानते हैं कि विगत दिनों की परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया और इस परिवर्तन में सबसे ज्यादा भविष्य की महती भूमिका को अदा कर सकता है तो वह हमारा युवा मोर्चा। आप जिनका भी नाम लीजिए वह सब युवा मोर्चा से ही निकल करके आज उस स्तर पर पहुंचे हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, हमारे सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हो। अगर प्रदेश की हम बात करें तो मेरे पहले के अध्यक्ष चाहे वह नित्यानंद राय जी हो, मंगल पांडे जी हो, या फिर मंच पर आज के सरकार के मंत्री के रूप में उपस्थित माननीय श्री अश्विनी चौबे जी हो, या नेता प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित विजय सिन्हा जी हो, और मैं स्वयं सभी हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी और वहां से होकर के आज इस स्थान पर हम सब पहुंचे हैं। आज युवा मोर्चा ने हमारे युवा साथी को देखकर हम लोगों को युवा मोर्चा का स्मरण हो रहा है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवा मोर्चा के प्रभारी थे। नागपुर में सभी युवा मोर्चा के सभी स्टेट के अध्यक्ष और पदाधिकारी गए हुए थे और उस सफर से इस सफर में कितना परिवर्तन हुआ, कितना अंतर आया है। ये युवा जो दो शब्द से बना है, युग का वाहक, युवा युग परिवर्तन करने वाला। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी होने के बाद से राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में पूरे चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद, नवगछिया नगर परिषद, अकबर नगर नगर पंचायत, पीरपैती और कहलगांव नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर NR कटाने और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भागलपुर सदर SDO कार्यालय परिसर में सुल्तानगंज नगर परिषद और अकबर नगर नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि सुल्तानगंज नगर परिषद चुनाव को लेकर मंगलवार को 25 संभावित प्रत्याशियों ने NR कटाया, जबकि इससे सोमवार को कुल 32 लोगों ने NR कटाया, जिससे नगर परिषद सुल्तानगंज चुनाव के लिए अब तक 57 लोगों ने NR कटाया है। वहीं इसके अलावा अकबर नगर नगर पंचायत चुनाव के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में NR कटाने की व्यवस्था की गई है, जहां मंगलवार तक मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 4 संभावित प्रत्याशियों ने NR कटाया है, जबकि उप मुख्य पार्षद पद के लिए 5 लोगों ने NR कटाया है। इसके अलावा मंगलवार तक अकबर नगर नगर पंचायत से वार्ड पार्षद के लिए अलग अलग वार्ड से कुल 29 लोगों ने NR कटाया, जबकि रशीद कटाने वालों में 15 महिला और 14 पुरुष प्रत्याशी शामिल है। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए और अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार भागलपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी विजय कुमार यादव को दिल्ली के ललित होटल में दैनिक भास्कर के द्वारा बिहार गौरव सम्मान अवार्ड से नवाजा गया। भारत के प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जल संसाधन और जन सूचना विभाग मंत्री संजय कुमार झा एवं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने संयुक्त रूप से विजय कुमार यादव को सम्मानित किया। वहीं परिवार समेत दिल्ली पहुंचे विजय कुमार यादव ने सम्मानित होने पर हर्ष जताते हुए दैनिक भास्कर एवं उनकी पूरी यूनिट को धन्यवाद दिया और कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए है। विजय कुमार यादव ने कहा कि सब बिहारी भाई मिलकर बिहार को विकासशील से विकसित बनाने के लिए हर कदम पर साथ खड़े हैं एवं बिहार की छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत भी हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सम्मान व्यक्ति को उसके अच्छे कार्यों के आधार पर मिलता है, लेकिन उन्हें नहीं पता वे इस सम्मान के योग्य हैं या नहीं, लेकिन अब तक जो भी कार्य सामाजिक स्तर पर किया है उसका लाभ सिर्फ गरीबों, दलितों और ऐसे लोगों को मिला है जो जरूरतमंद है। लोग चाहे जो भी कहें, प्रत्येक व्यक्ति की सोच, दृष्टि एवं मानसिकता अलग अलग होती है। विजय कुमार यादव ने कहा कि मैंने हमेशा मेहनत, ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ काम किया है, क्योंकि मैं जानता
जानता हूं कि सम्मान हासिल करने में काफ़ी अधिक समय लग जाता है, लेकिन उसे खोने में चंद समय लगता है। सम्मान प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिना परिणाम की चिंता किए जब तक सामर्थ्य होगा मैं लोगों के बीच जाता रहूँगा, उनकी समस्याओं को सुनता रहूँगा, उसे दूर करने का प्रयास करता रहूँगा और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता रहूँगा। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड ऋषिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झुरकुसिया में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 3.5 बीघा में लगे आम के पौधों को जड़ से काट दिया गया। वहीं इसको लेकर राम इकबाल सिंह, रविशंकर सिंह और उप मुखिया प्रतिनिधि पंकज सिंह ने बताया कि 3.5 बीघा में लगे आम के 200 पौधों को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काट दिया गया है, जिससे एक ओर जहाँ आर्थिक नुकसान हुआ है वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाने वाला है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी उन लोगों को मंगलवार को हुई जब पंकज सिंह सुबह के वक्त खेत घूमने आए थे। इसके बाद इस घटना की जानकारी पीड़ितों ने ऋषिपुर थाने में दी, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब क्या देख रहे हैं, प्लॉट पे बहुत सारी गाछ आम के काट दिया गया है। हाँ, यह सामाजिक तत्व के द्वारा जो है, क्योंकि हम लोग कल दिन भर मौसम खराब था, खेत में हम लोग घूमने आए नहीं थे, आज सुबह मालूम चला हम लोग आए तो सारा गाछ लोग देख रहे हैं, आपकी इनके सामने भी है कि सारे गाछ को काट दिया गया है असामाजिक तत्व के द्वारा, जो एक घटना कृत्य है। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से और प्रशासन से हम चाहेंगे कि इसमें अपना उचित कार्रवाई करें, और ऐसे आपस में समाज में ये गंदी राजनीति और ये कृत्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों पे प्रशासन अपना कानूनी कार्रवाई करें। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से भागलपुर के इंटर स्तरीय जिला स्कूल में तरंग मेधा उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने तरंग प्रोग्राम में अपनी कला की प्रस्तुति दी और दहेज के साथ छठ पर्व पर भी अपने अनुभव और विचार को जाहिर किया। साथ ही बच्चों ने स्वच्छता को महत्व देते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी रोक लगाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की बात कही। मौके पर काफी संख्या में परियोजना से जुड़े लोग, शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्रा मौजूद रहे। ये तरंग प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ, हमारे जिला में भागलपुर में, जिसमें से जूनियर और सीनियर वर्ग की कंपटीशन रखी गई है बच्चों की। इसमें मैं ड्राइंग की शिक्षिका के रूप में यहाँ पे नोडल शिक्षिका के रूप में नियुक्त हूँ। इसमें से जो बच्चे टैलेंटेड होंगे वो जिला लेवल पर जाएंगे और उनका आगे फिर सिलेक्शन होगा। आपका परिचय? मेरा नाम स्वप्ना स्वाति, मदन लाल बालिका उच्च विद्यालय से। खगड़िया के प्रवत्ता प्रखंड अंतर्गत यदुवंश नगर निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक निधान चंद्र राय और पुष्पलता देवी के पौत्र मधुकर कुमार ने नीट 2022 की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया में 12,953 रैंक और कैटेगरी रैंक में 5,202 स्थान प्राप्त किया है, जबकि मधुकर को परीक्षा में कुल 620 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता अमृता प्रीतम और पिता हिमांशु कुमार समेत घर वालों को देते हुए मधुकर ने कहा कि कड़ी मेहनत के साथ घर के बड़ों का मार्गदर्शन मिलने से रहा आसान हो गई। इधर इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मारवाड़ी कॉलेज अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सरद चंद्र राय और उनकी पत्नी पूनम कुमारी ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिठाई खिलाकर बधाई दी और मधुकर को बेहतर चिकित्सक बनकर समाज के लोगों को सेवा प्रदान करने की बात कही। साथ ही परिवार के प्रधान चंद्र राय, पारस कुमार, राजीव कुमार, आशुतोष कुमार समेत सभी सदस्यों ने मधुकर की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। NH80 की दुर्दशा से PhD मंत्री हुए रूबरू, कहा बिहार की सबसे खराब सड़क भागलपुर में, डिप्टी CM को देंगे जानकारी। भागलपुर में आयोजित हुई युवा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, नेताओं ने कहा देश के विकास में युवा शक्ति का अहम योगदान। नगर निकाय चुनाव को लेकर NR और नामांकन की प्रक्रिया शुरू, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की बढ़ने लगी भीड़। सामाजिक कार्य में अहम योगदान देने वाले समाजसेवी बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित, कहा जब तक है सामर्थ्य जनता का करूंगा सेवा। और पीरपैती में आज सामाजिक तत्वों ने काटे सैकड़ों आम के पेड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।